बहुत सारे लोग 90 डिग्री बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग 145 डिग्री बोल रहे हैं, मगर वो 145 डिग्री के कोण पर जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार झुके, उसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी। और यहाँ 71 का भी मामला है। बिल्कुल, वो एक चीज है, मगर वो जो जिस तरीके से झुके हैं इस पर इसलिए बातचीत ज्यादा होने लगी क्योंकि इससे पहले बहुत अकड़ रहे थे। हाँ। उनका एक एजम्पशन थी, क्या वो राष्ट्रपति बनेंगे, क्या वो उपराष्ट्रपति बनेंगे, क्या वो सीएम की कुर्सी किसी और को दे रहे हैं, अगर वो दे रहे हैं तो किसे दे रहे हैं, इसको लेकर के बहुत अलग अलग तरीके के एजम्पशन का जो है बाजार गर्म है। तो नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार के स्टांस को भांपना जो है बहुत मुश्किल है। और इस बीच जब लगातार कहीं राष्ट्रपति जाने की, राष्ट्रपति बन जाने की बात, उपराष्ट्रपति बनने की बात या ऊपरी सदन में जाने की बात आ रही थी, तो पहले तो इसको सिरे से नकारा नहीं गया, इसको पकने दिया गया, धीरे पकने दिया गया। हाँ। और उसके बाद तमाम बड़े नेतागण, चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, सबने ट्वीट किया, सबने ट्वीट किया और उसमें कहा कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी नहीं है, ये हम आप सभी जानते हैं। और कच्चे खिलाड़ी अगर वो होते तो फिर 45 सीटें ला करके मुख्यमंत्री बनना और बन के रहना ये कोई आम बात नहीं। बिल्कुल आम बात नहीं है। तो उसमें ये जो चीजें आती हैं कि अगर वो किस लेवल पर कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, तो वो उपराष्ट्रपति के लिए कम से कम वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम अनिल शारदा है, आप द पंचायत देख रहे हैं। बात बिहार की है और बिहार की बात में क्या है, तो नीतीश कुमार शायद मुख्यमंत्री की कुर्सी त्याग कर और चारों धाम की यात्रा में से जो बचा हुआ एक यात्रा है राज्यसभा का, वो करने के फिराक में है। और ये बात मीडिया के गलियारे में बहुत चर्चित है, कई बड़े पत्रकार बिहार के इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हाँ ये बात हुई है, इच्छा की बात हुई है। तो ये इच्छा कितना सार्थक होने वाली है और क्या इस पे नीतीश कुमार अपना इच्छा जाहिर करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए जाने वाले हैं कि नहीं, उस पर ही बातचीत होगी। हमारे साथ विष्णु नारायण हैं, विष्णु नारायण सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साथ में हिंदुस्तान के तमाम बड़े मीडिया संस्थान के साथ फ्रीलांस के रूप में जुड़े हैं, जैसे बीबीसी, आउटलुक पर ये लगातार हिंदी और अंग्रेजी में छपते रहते हैं। बिहार में लगातार 4-5 सालों से ये काम कर रहे हैं और बिहार के तमाम जिलों में जाकर इन्होंने काम किया है। तो इन्हीं से जानेंगे कि आप इस पूरे बिहार की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं विष्णु, और क्या लगता है कि नीतीश कुमार चौथे धाम की यात्रा में कब निकलने वाले हैं? देखिए अनिल, नीतीश कुमार को समझना जो है बहुत गूढ़ विषय है, बहुत मुश्किल है। नीतीश कुमार किसी को इस बात का अंदाजा नहीं लगने देते कि वो क्या सोच रहे हैं और अगला जो राजनीतिक उनका स्टांस होगा, स्टेप होगा, वो क्या होगा। वो इससे पहले भी जो उन्होंने अलग अलग समय पे जो स्टांस लिए हैं, दो दिन पहले तक आपको ना पता हो और अचानक वो स्विच कर जाए, दूसरे तरफ किसी और पॉलिटिकल पार्टी या गठबंधन का हिस्सा हो जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, तो इस तरीके की चीजें बिहार ने देखी है। इस बीच ये एजम्पशंस का जो बाजार है वो इस वजह से गर्म हुआ क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश चुनाव के जो परिणाम आए और उसमें भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से बहुमत मिला, योगी आदित्यनाथ फिर से सीएम बने और उसके बाद एक बुलावे की बात और एक जिसमें चीफ मिनिस्टरशिप और चीफ मिनिस्टर के पद की जिस दिन एक तरीके से पूरी बातचीत आई और उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और वहां बहुत सारे लोग 90 डिग्री बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग 145 डिग्री बोल रहे हैं, मगर वो 145 डिग्री के कोण पर जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार झुके, उसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी। और यहाँ 71 का भी मामला है। बिल्कुल, वो एक चीज है, मगर वो जो जिस तरीके से झुके हैं इस पर इसलिए बातचीत ज्यादा होने लगी क्योंकि इससे पहले बहुत अकड़ रहे थे। साल 2012 के बाद, साल 2010 का एक मैंडेट था जो कहा गया कि सीएम नीतीश कुमार का मैंडेट है और वो वाकई था भी। उसके बाद 12 और 14 के बीच में जिस तरह की चीजें हुई कि सीएम नीतीश कुमार को लगा कि शायद वो अकेले लड़ करके भी कुछ चीजें हासिल कर सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं, अपनी राजनीतिक कद को आंक सकते हैं, मगर वो आधे मुंह गिरे। साल 2014 का जो लोकसभा चुनाव है, उसके बाद जो साल 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ वो सबको याद है कि किस तरीके से जो नीतीश और लालू प्रसाद एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, वो दोनों एक साथ आए
और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो कि प्रचंड बहुमत के साथ और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में साल 2014 का जो एक चुनाव है उसके बाद 15 में चुनाव होता है और वो उस लहर को रोक देते, उस अश्वमेध का जो एक यज्ञ होता है और एक रथ होता है जो सारी बात कहते हैं कि वो जगरनॉट चल रहा है, तो उसको वो जिस तरीके से बिहार में रोकते हैं वो एक दूसरी कहानी है। मगर इस बीच जिस तरीके से उनका एक एजम्पशन कि क्या वो राष्ट्रपति बनेंगे, क्या वो उपराष्ट्रपति बनेंगे, क्या वो सीएम की कुर्सी किसी और को दे रहे हैं, अगर वो दे रहे हैं तो किसे दे रहे हैं, इसको लेकर के बहुत अलग अलग तरीके के एजम्पशन का जो है बाजार गर्म है। मगर आज चूंकि आज एमएलसी इलेक्शंस के बीच में हम आप बातचीत कर रहे हैं और ये एमएलसी इलेक्शन 24 सीटों पर हो रहे हैं, तो ये पैन बिहार चुनाव है। और उसमें जो प्रतिष्ठा है वो दोनों धड़ों की दांव में लगी है। एक तरफ महागठबंधन है जिसकी कमोबेश अगुवाई तेजस्वी के हाथ में है, मगर ये चूंकि एमएलसी के इलेक्शन हैं तो राबड़ी देवी चूंकि एक तरीके से नेता प्रतिपक्ष हैं जो ऊपरी एक सदन है उसमें, तो उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। और उसके अलावा जो एक एनडीए का गठबंधन है जहां भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड साथ साथ हैं, इसके अलावा एक जो लोक जनशक्ति पार्टी का पारस गुट है वो साथ है, तो उसमें भी कई जगह इस तरीके की बातें आ रही हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वहां तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक तरीके से और अपने तरीके से लगी है, मगर जहां कहीं भी जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं वहां उस तरीके का समर्थन, उस तरीके का जोश खरोश उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ये हम विषय से विषयांतर हो जाएंगे, तो आज जब मीडिया कर्मियों ने एमएलसी इलेक्शंस के दौरान एक वीवीआईपी जो बूथ है जहां पर तमाम, चाहे वो सीएम खुद हों, इसके अलावा यहां के तमाम सांसद मंत्रीगण बड़े बड़े, तो वो सारे उस बूथ पर पहुंचे थे। और वहीं पर जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि आपकी राज्यसभा जाने की बातचीत हो रही है, तो जो उनका स्टांस और स्टाइल होता है, जो उनका सिग्नेचर स्टाइल है, उस सिग्नेचर स्टाइल से उन्होंने यही कहा कि अरे हमें भी ये सारी बातें आश्चर्यचकित करती हैं, हम और ये कहां कहां से आती हैं मुझे इस बात का कहीं कोई अंदाजा नहीं है। तो ये फिर वही है जो नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार के स्टांस को भांपना जो है बहुत मुश्किल है। और इस बीच जब लगातार कहीं राष्ट्रपति बन जाने की बात, उपराष्ट्रपति बनने की बात या ऊपरी सदन में जाने की बात आ रही थी, तो पहले तो इसको सिरे से नकारा नहीं गया, इसको पकने दिया गया धीरे धीरे, और उसके बाद तमाम बड़े नेतागण, चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, सबने ट्वीट किया और उसमें कहा कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि ये मैंडेट जो है, और धीरे धीरे वो जो कि बिहार की जो पूरी सियासत है और उसमें नीतीश कुमार की जो अपनी पोजिशनिंग है, वो जिस तरीके से वो नीतीश कुमार पहले की तुलना में अलग अलग जगहों पर लेख लिखे जाने लगे हैं क्या कि नीतीश कुमार अपने सबसे बुरे दौर में हैं, और वो वाकई हैं भी, इसमें कहीं कोई फैक्ट का डिनायल नहीं है कि जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के खिलाफ जो उस समय चिराग पासवान का एक तरीके से धड़ा था, आज तो धड़े दो धड़ों में बट गए हैं, तो वो किस तरीके से उनको नुकसान पहुंचाया, वो चाह करके भी बहुत कुछ नहीं कर सकते थे और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया अलग अलग सभाओं में अपने कार्यकर्ताओं से जब वो रूबरू हुए तो उन्होंने कहा कि हमें इस बात का अंदाजा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, मगर हम कुछ कर सकने की पोजिशन में नहीं थे। तो उनके लिए एक भारी मुश्किल वाला दौर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो वो 14 से पहले या 12 और 10 से पहले हुआ करती थी, कि उसे उसके पास एक, अगर जब आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार उसका एक तरीके से बैटल फील्ड है, और आप समझते हैं कि नीतीश कुमार कैसे इफेक्टिव हैं, और आप देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे प्लेयर्स जो कहीं ना कहीं अपने तरीके से, इनका एक वजूद था राष्ट्रीय राजनीति में भी और वो क्षेत्रीय छात्रप थे अपने तरीके से, क्षेत्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, चाहे वो लालू प्रसाद को ले लीजिए, उस समय में नीतीश कुमार भी उस भूमिका में रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया जो है रामविलास पासवान भी रहे हैं। इसके अलावा तमाम आप अभी हाल फिलहाल में जो सारी घटनाएं परिघटनाएं देखने को मिली हैं कि एक मुकेश सैनी नाम के जो कैरेक्टर हैं जो अभी हाल फिलहाल तक कैबिनेट मंत्री थे, वो पूरा
प्रकरण हम सभी लोग अभी बिल्कुल रीसेंट है, वो हालिया है, और उसके बाद उन्होंने पूछ भी लिया मीडिया कर्मियों ने कि बोचहां के उपचुनाव में कब प्रचार करने जाएंगे। उन्होंने कहा 10 तारीख, जो चूंकि 4 तारीख है आज हम आप बात कर रहे हैं जब, और उसके बाद ये सारा फोकस बोचहां के उपचुनाव पर शिफ्ट होगा। इससे पहले भी 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, तारापुर और उसके अलावा दरभंगा की कोई सीट थी, नाम भूल रहा हूं, तो वहां पर कैसे सारी चीजें देखने को मिली कि कई बार ऐसा लग रहा था शुरू में कि शायद चूंकि जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट्स उन दोनों सीटों पर लड़ रहे थे और भाजपा ने बहुत सपोर्ट, हाँ भाजपा ने भाजपा के तमाम नेता गए, मगर वो बिल्कुल अंत अंत तक भी बात है, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल ने वहां उम्मीदवार दिया था, तारापुर एक हॉट कंटेस्टेड सीट बन गई थी, क्योंकि वहां पर जिस बिरादरी से राष्ट्रीय जनता दल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो एक पारंपरिक बेस, जब आप चुनावी राजनीति की बातचीत करते हैं तो तमाम पॉलिटिकल फैक्टर्स को इग्नोर नहीं करते, वहां पर जो एक कोलिशन होता है, सोशियो कास्ट इक्वेशन होता है, उसको आप इग्नोर नहीं करते, किस तरीके से एक नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश जो है राष्ट्रीय जनता दल ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी की थी, कई जगहों पर उसे फायदा हुआ था इस बात का, और फिर उपचुनाव में भी उन्होंने अपने परंपरागत जो बेस वोट है उसके अलावा किसी को टिकट दिया तारापुर, और वही एमएलसी के इलेक्शंस में भी उन्होंने किया है कि राष्ट्रीय जनता दल इस कोशिश में लगी हुई है, वो कोशिश कितनी सफल होती है ये परिणाम बताएंगे, मगर 24 सीटों में बहुत एक तरीके से जिनको लेकर के बहुत ऐसा रहता था कि उनको लेकर के बहुत एक दुराव वाली बात रहती थी, उनको भी अपने में एक्सेप्ट करने की बात उनके लिए कहा जाता था कि ये तो माई मतलब मुस्लिम और यादव के कॉम्बिनेशन पर चलने वाली पार्टी है, उनका एक कोर वोट है, मगर बार बार इस बीच जब तेजस्वी पिछला चुनाव लड़ रहे थे, आप भी थे कवर कर रहे थे, कि बार बार उनके तमाम बड़े नेतागण ये कहते दिखाई पड़े कि नहीं हम सिर्फ MY नहीं है, हम तो A to Z, मतलब, और इस बार के जो MLC के इलेक्शंस हैं उसमें जिस तरीके से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो A to Z समीकरण को साधने की कोशिश की गई है, और उसी बीच जैसे कि MLC के इलेक्शन आ रहे हैं साथ साथ, तो जो बुझां के उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर किस तरीके से, वहां जबकि जो कैंडिडेट था वो NDA का एक कैंडिडेट था, और वो NDA का कैंडिडेट मुकेश सहनी की जो पार्टी है VIP का था, मगर जैसे ही उन्होंने कैंडिडेट घोषित किया और वो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जाकर के चुनाव लड़े, या फिर जो स्टांस दिखाने की कोशिश की कि योगी और मोदी के खिलाफ वो लड़ते हुए दिखाई पड़े, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके तीनों विधायकों को तोड़ करके अपने साथ ले लिया, और उनके जो सिटिंग MLA थे उनके बेटे को जिस तरीके से टिकट डिक्लेयर किया तो उसे राष्ट्रीय जनता दल तोड़ करके ले गई। तो बिहार के भीतर राजनीति के कई रंग हैं, और इसमें अलग अलग फैक्टर्स भी, चूंकि आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां इस बार का चुनाव कमोबेश 2 ध्रुवीय चुनाव हुआ, तो 2 ध्रुवीय चुनाव हुआ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को जितना फायदा हुआ और उसके अलावा जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन को जितना फायदा हुआ, उसके अलावा तीसरा धड़ा या चौथा धड़ा या तीसरा या चौथा कोण खोलने की जो पूरी कोशिश थी, बहुजन समाज पार्टी को आप देखिए किस तरीके से वो धराशायी हुई, महज 1 विधायक है अभी उनके पास, कांग्रेस के पास सिर्फ 2 विधायक हैं, वो भी 1 विधायक उनके पास जो कि प्रमोद तिवारी की बिटिया है मोना तिवारी, तो वो जिस तरीके से जीती है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने वहां कैंडिडेट नहीं दिया था, ये तब जाकर की यह आपसी समझ है उनके बीच की, करहल में कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं उतारा तो वहां जो रामपुर खास सीट है वहां से समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, अगर समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट अपना उतार दिया तो शायद सिर्फ 1 सीट कांग्रेस जीत पाती। तो ये एक सारी चीजें, क्योंकि ये अलग से नहीं हो रही है, जो बिहार में होता है उसका रिफ्लेक्शन उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश में होता है उसका रिफ्लेक्शन बिहार में दिखाई पड़ता है। लेकिन एक चीज है, इसको दोबारा हम लोग पॉइंट पे लेके आते हैं, इसमें क्या है कि मैं देख रहा हूँ कि नीतीश कुमार एक ऐसे टाइम पे है जहाँ पे वो पार्टी बदल करके या गठबंधन बदल करके अपने आप को अमर होने वाली राजनीति में तो नहीं डाल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि अगर केंद्र में चले जाते हैं तो लिखित हो जाएगा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि राजनाथ सिंह की जो डिपार्टमेंट है रक्षा मंत्रालय वो इनको मिल जाए, कयास ये भी लगाया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे, सॉरी उपराष्ट्रपति बनेंगे और सभापति बन जाएंगे, ऐतिहासिक चीज है, दर्ज हो जाता है हमेशा के लिए। तो
अगर वो कहीं और नहीं जाएंगे तो उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या रह जाएगा? दूसरी बात, अगर वो वहां भी नहीं जा रहे हैं तो बिहार में किसे अपना उत्तराधिकारी खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि ये जो चीजें जो फिर हम उसी पर आ रहे हैं, बिहार में जो कुछ सारी गतिविधियां हो रही हैं उसको उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव और परिणाम और फिर शपथ ग्रहण से जोड़ते हैं कि वो जो झुकाव है वो अनायास झुकाव नहीं है, वो सायास झुकाव है। जब हम इस ये बात कह रहे हैं तो वो एक आदमी जो अपनी अकड़ के लिए अपने तरीके से वो कैसे आंख में आंख डाल करके और कैसे वो भोज ठुकराता है उसको लेकर के एक सारी बातचीत होती थी, जिसको लगता था कि नरेंद्र मोदी देश के लिहाज से जो है वो अच्छे शासक नहीं हो सकते, कैसे उनका जो स्टांस है वो कम्युनल है। और आज जो कॉम्प्रोमाइजेस हो गए, चाहे वो डीएनए को लेकर के हो, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के हो, या फिर आप उसके साथ साथ जो जातीय जनगणना, चूंकि एक तरीके से बिहार के विधानसभा चुनाव से वो मामला चल रहा है, और उसके अलावा बिहार की विधानसभा तक किस तरीके से नीतीश कुमार की अगुवाई में तेजस्वी यादव या तमाम दलों का प्रतिनिधि मंडल जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जातीय जनगणना के सवाल पर मिलता है। मगर वहीं जब आप केंद्रीय नेतृत्व को देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, तो उस नेतृत्व की ओर से जो बातचीत आती है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है, बहुत सकारात्मक जातीय जनगणना को लेकर के उनका स्टांस नहीं है। तो ये सारी चीजें हो ही रही हैं साथ साथ, मगर जो झुकाव है सीएम नीतीश कुमार का वो अनायास नहीं है, वो सायास है। और जहां पर कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी नहीं है, ये हम आप सभी जानते हैं। और कच्चे खिलाड़ी अगर वो होते तो फिर 45 सीटें ला करके मुख्यमंत्री बनना और बन के रहना ये कोई आम बात नहीं, बिल्कुल आम बात नहीं है। तो उसमें ये जो चीजें आती हैं कि अगर वो किस लेवल पर कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे हैं तो वो उपराष्ट्रपति के लिए कम से कम वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि उस आफ्टर, जैसे आप बोल रहे हैं कि आफ्टर नीतीश हो, नीतीश जिस तरीके से सर्व स्वीकार हैं अपने धड़े के भीतर और जिस तरीके की वो राजनीति करते हैं, लव कुश की या फिर महिलाओं को लेकर के स्टांस, इस बीच चूंकि शराबबंदी को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, और जिस तरीके से घिरे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अटैकिंग संजय जायसवाल से लगाया, तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के उनको एक मौका नहीं चूकते कि वो, और उसके अलावा विधानसभा के भीतर विधानसभा के बाहर अभी हाल फिलहाल जिस तरीके से वो खिसियाए या झल्लाए आप कह सकते हैं विजय सिन्हा के ऊपर, वो एक पूरा स्टांस इससे पहले भी, क्योंकि ऑब्वियसली जो राजनीतिक तौर पर जब आप कमजोर होते हैं तो वो आपके स्टांस में आपके एक्शंस में रिफ्लेक्ट करता है, और वो इस बात को जान रहे हैं कि कैसे वो इतिहास बनाने के मुहाने पर है, कि इससे पहले ये बात कही जाती है कि भाई अभी तक सबसे लंबे दौर तक मुख्यमंत्री कौन रहा है, तो श्री कृष्ण बाबू क्या एक नाम आता है, तो क्या नीतीश कुमार उस जो लाइन है उसको पुश कर पाएंगे, या अगर वो विड्रॉ करते हैं वहां से तो किसे अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, क्या और जो उत्तराधिकारी होगा जनता दल यूनाइटेड के भीतर क्या वो सर्व स्वीकार्य होगा तमाम नेतृत्वों के, ललन सिंह के एक ऑब्वियस पॉलिटिक्स है, और उसके बाद आरसीपी सिंह की एक ऑब्वियस पॉलिटिक्स है, उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से आए हैं और आए और अपनी पार्टी का विलय बनना है किया, और उसके बाद उन्हें संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरीके से बनाया गया, तो भी बहुत सारे लोगों को विद इन द पार्टी जो है वो नागवार गुजरा है। तो उसके बाद कौन होगा जो उनका उत्तराधिकारी होगा, क्योंकि कम से कम लालू प्रसाद ने अपने रहते रहते राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहते रहते उन्होंने एक अगली जनरेशन को पुश कर दिया जो कम बेस उनके पार्टी फोल्ड में तो सर्व स्वीकार है। हाँ, तेजस्वी की स्वीकार्यता, चाहे वो विधानसभा चुनाव देखिए, लोकसभा चुनाव देखिए, और वही जो सेकंड लाइन है यहाँ आपको जनता दल यूनाइटेड के भीतर, वो कम से कम उस तरीके से नहीं दिखाई पड़ती, तो वो किसे अगर देंगे तो वो सर्व स्वीकार, क्या पार्टी 2-3 हिस्सों में टूट जाएगी, क्योंकि इस चीज का आभास हमेशा है। अगर ऐसा हो जाए, सरकारें बदल जाए, केंद्रीय नेतृत्व तो बदल जाए बिहार का, तो हो सकता है भाजपा का एक मुख्यमंत्री हो, दो उप मुख्यमंत्री जेडीयू से भी हो सकते हैं, लेकिन अगर जेडीयू में होगा तो मान लेते हैं कि एक बहुजन समाज से आ गया आरसीपी सिंह है या उपेंद्र कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा लंबे समय से राजनीति में है, मित्र हैं नीतीश कुमार के, एक अपनी केंद्र में भी मिनिस्टर वो रहे, ऑफ लव एंड हेट रिलेशनशिप रहा है, लेकिन ठीक है नीतीश कुमार
हमेशा आजमाते आए हैं उनको, क्योंकि वो हमेशा दल बदलते रहे। अब क्या वो आजमाइश का दौर खत्म हो गया है? एक अगर वो चेहरा होता है आरसीपी सिंह, ड्रॉप कर दिए जाते हैं क्योंकि वो केंद्र में मिनिस्टर है। दूसरा आ जाता है भूमिहार कम्युनिटी से नेता विजय चौधरी और ललन सिंह। तो इन दोनों में क्या लड़ाई होगी? क्या इन दोनों को एक उप मुख्यमंत्री का पद मिलेगा? अगर इनमें से किसी एक को मिलता है तो दूसरा नाराज होगा, फिर क्या पार्टी यहाँ पे ये चर्चा फिर मायने रखती है? मुख्यमंत्री ऐसा पोस्ट है जो बहुत टोकन पोस्ट है, हाँ, है ना, उसमें बहुत सारी संवैधानिक पावर निहित नहीं है, मगर वो कई बार जिस लेवल पर कॉम्प्रोमाइजेस, क्योंकि इस बार के जो परिणाम आए और भारतीय जनता पार्टी में दो डिप्टी सीएम को जिस तरीके से थोपा, मैं कह रहा हूँ थोपा, वो एक तरीके से नीतीश कुमार को चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश थी, क्योंकि इससे पहले जब सुशील मोदी लगातार उनके साथ रहते थे तो बहुत सारे लोगों का जो अपना जिस तरीके से चीजें चलनी चाहिए, माना जाता था कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी के बीच जिस तरीके की जुगलबंदी है, या लालू प्रसाद के परिवार को लेकर के जिस तरीके से एक आक्रामक स्टांस हमेशा सुशील मोदी का रहता है आज तक, या कभी भी आप देखिए जब वो अपोजिशन में रहे, जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ थे, तो आपको तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाने के बजाय अगर आप सुशील मोदी के पर्सनल ट्विटर हैंडल या फेसबुक हैंडल पे चले जाते हैं तो वहां ज्यादा चीजें आपको पता चल जाती कि क्या कुछ ऐसा हो रहा है जो महागठबंधन उस दौर का उसके लिहाज से अच्छा नहीं है। तो वो कमोबेश वो एक चीज है, मगर इस बीच जब उन्हें राज्यसभा भेजा गया और उसके बाद एक बात आई कि भाई कौन डिप्टी सीएम, तो आप देखेंगे कैसे तारकिशोर प्रसाद और फिर उसके बाद रेणु देवी और वो किस समाज और वर्ग से आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से उनको साधने की कोशिशें की। इस बीच जब एक मुकेश सहनी को लेकर के एक ऑब्वियस बातचीत हो रही थी कि बिंद मलाह सहनी के आरक्षण की बात, और उस राजनीति से निकल करके मुकेश सहनी आ रहे थे, तो वहां पर अभी इस बीच आपने देखा होगा कैप्टन निषाद के परिवार के अजय निषाद और सारी चीजें, तो ये बहुत सारे लेयर्स हैं। जब भी आप बिहार की और उत्तर प्रदेश की राजनीति की बातचीत करते हैं तो उसमें बहुत सारे रंग हैं, और सीएम नीतीश कुमार गूढ़ विषय हैं राजनीति समझने के लिए और अपने राजनीतिक स्टांस, जैसे कि आप जब चेस खेलते हैं तो आप एक कदम चलते हैं मगर आप उससे पीछे तीन चार कदम और क्या चलेंगे या आगे तीन चार कदम और क्या चलेंगे, ये आप उसको लगातार कैलकुलेट करते रहते हैं। तो नीतीश कुमार उस जो है विधा में माहिर खिलाड़ी हैं कि वो राजनीति जो है वो अपने तमाम निकटस्थ सहयोगियों को भी अपना क्या अगला राजनीतिक स्टांस होगा या भांपने या आंकने नहीं देते, नहीं देते, ठीक है। तो कुल मिला के बात यही है कि एक पत्रकार होने के नाते हम लोग जो संभावनाएं होती हैं उसमें से निष्कर्ष निकालने की कोशिश में जुटे रहते हैं, और जैसा कि बंद कमरे में नीतीश कुमार ने कुछ अपने चुनिंदा पसंदीदा पत्रकारों से चर्चाएं की और इस बात को उन्होंने बाहर निकाला मीडिया में ताकि ये चर्चा का विषय हो, और जैसे ही वो उत्तर प्रदेश से मिल करके आए, विष्णु के हिसाब से 145 मेरा 90 डिग्री के कोण वाला हिसाब किताब है, तो वो झुकाव के बाद जैसे ही वो आए तो उन्होंने इस खबर को प्लांट किया मीडिया में और तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। अब ये चर्चा है कि नीतीश कुमार ने आज इस बात को खंडित कर दिया कि हमें मालूम ही नहीं है, लोग पता नहीं किस किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे मालूम चल जाता है। लेकिन नीतीश कुमार को ये बात तो सच है कि समझना मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो एक बार में स्पष्ट होते नहीं है और 11th hour में वो अपना कदम चलते हैं। तो हमारी चर्चा भी कमोबेश उसी तरीके से है, हम भी निष्कर्ष निकालने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में एक सवाल रह ही जाता है कि 11th hour का हमें वेट करना चाहिए, तो देखा जाता है कि आगे क्या होता है। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप द पंचायत देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।